तो वहीं हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट मिला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में मिली हार के बाद कितनी तैयार हैं अनुपमा रावत, इसको लेकर उनसे बात की A1 संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, हरिद्वार ग्रामीण से आपको सीट मिली है, तो क्या आप अपने पिताजी का बदला ले पाएंगी जो 2017 में हार हुई थी? देखिए, कांग्रेस कभी भी बदला लेने में विश्वास नहीं रखती, हमारी परिपाटी ही नहीं है। और रही बात हम जिस उससे जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य यह है कि हम उस क्षेत्र का विकास करें, जो कि विकास पूरी तरीके से ठप पड़ा है। और ये पिछले 5 साल देखे जाए भाजपा के डबल इंजन के, पूरी तरीके से फेल रही है। वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लोग वहाँ पर तरस रहे हैं, यही हमारी। अनुपमा रावत के बारे में बात कही जाती है कि ये वो अनुपमा नहीं रही है जो 2017 में दिखती थी। अब ये अनुपमा काफी मैच्योर हो गई है, राजनीति की पकड़ को समझती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं? देखिए, मैं 2004 से पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हूँ, उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हूँ इस नाते। और रही बात कार्य करने की, तो कार्य हम हमेशा से करते रहते हैं और जो भी सामने हमारे पास काम आते हैं उसको हम बहुत ही सूझबूझ से करते हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, हरिद्वार ग्रामीण सीट पर आपके कौन कौन से मुद्दे होंगे और वहां की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो सड़क, बिजली, पानी, इससे लोग आज भी परेशान हैं, त्रस्त हैं। वहां पर सड़कों का हाल बुरा है, पानी एक एक हैंडपंप पे 20-25 परिवार आज भी निर्भर कर रहे हैं, वो भी वैसी विधानसभा में जहां से स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के। और आज भी वहां पर रोजगार के कोई साधन नहीं है, चिकित्सा सेवा पूरी चरमराई हुई है, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे ये हमेशा से उद्देश्य रहेगा कि हम वहां पर स्वर्णिम विकास कर सके। तो क्या आप नॉमिनेशन के लिए अभी जा रहे हैं? हम कल डोमिनेशन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनुपमा रावत हमसे बातचीत कर रही थी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हरिद्वार ग्रामीण सीट से वो चुनावी मैदान में उतर रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि 2017 में जो मिली हार थी, क्या उसका बदला अनुपमा रावत ले पाएंगी। देहरादून से सुनील के साथ ज्योति सिंह, A1।